सर्वशक्तिमती परमात्मा श्री राम है नमः। सर्वशक्तिमती परमात्मा श्री राम है नमः। हेलो हेलो गरुड़ घराने की कथा मृत्यु के उपनाम की क्यों सुनी है, क्योंकि गरुड़ पुराण में जब हम कथा करते क्यों मृत्यु जो है किसी का इंतजार नहीं करती, उस पर हम पक रहे हैं और पक जाने के बाद क्या होगा, मृत्यु आएगी और ये शरीर को उठा करके चली जाएगी। अभी देखो चार अवस्था ऐसी है मनुष्य के लिए जो सदा भगवान ही याद आता है। एक अवस्था कब है, जब कोई स्त्री गर्भावस्था में आती है, कोई संतान अगर गर्भ की अंदर है और वही देखो बालक जो है माँ की जठराग्नि ने, जिसको हम शास्त्र में कहते हैं वैतरणी नदी, वैतरणी नदी का वर्ण आता है जो नलक है, प्रभु याद बहुत ज्यादा आते हैं। और चौथा अवस्था है जहाँ Thank you.
वाणी का पाठ किया और सभी भाई बहन मिलकर दो मिनट के लिए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट के लिए मौन भाव से प्रार्थना की। मृत्यु के उपनाम की क्यों सुनी है? क्योंकि गरुड़ पुराण में जब हम कथा करते हैं तो देखो मरने वाला का किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। आज जो है गरुड़ जी को सुनाई और घोर तपस्या करने के बाद जब कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए तो कहा कि वरदान मांग लो। तब जाके कदरुन देखो उनसे प्रसन्न होकर के जो है वरदान मांगा कि मुझसे एक से एक बलशाली पुत्र मुझको पैदा हो। अब तक्षक नाग जैसा पुत्र उनको जन्म लिया और वही कद्रु की जो सौतन थी जिनका नाम विनीता है कश्यप ऋषि की पत्नी कहा कि देखो कद्रु को तो संतान की प्राप्त हो गई मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ। उसने भी घोर तपस्या की जो है विनीता को बड़ा उचितता सोचने लगी ये पुत्र संतान जो है कब निकलेगा। जब बहुत ज्यादा उत्सुकता हुआ तो विनीता ने क्या कि सुई के डोने के अगर बच्चे गर्भ जन्म से पहले जैसे 7 महीने में आ जाते जन्म लगने लगते हैं उनको बचाना बड़ा दुर्लभ होता है। अब जब देखा विनीता ने कि आज भगवान विष्णु का वाहन बने कथा तो बहुत लंबी है मैं माता पिता का कर्म करने से अंत्येष्टि क्रिया करने से क्या फल की प्राप्त होती है। तो वही भगवान ने जो है गरुड़ प्राण को कथा सुनाया और गरुड़ ये जो महापुराण है हमारे वेद व्यास जी ने 18 पुराण रचे और गरुड़ ने जो है ये गरुड़ प्राण की कथा जो है गरुड़ प्राण की कथा भृगु ऋषि को सुनाए
उनके चलाते जो है उस भिगु ऋषि से जो है यही कथा वशिष्ठ जी ने सुनी और वशिष्ठ जी से ये कथा हमारे वामदेव महाराज और वामदेव महाराज से जो है ये कथा किनको मिला पराशर ऋषि को और पराशर ऋषि ने ये कथा हमारे किनको सुनाए वेद व्यास जी को बांटा गया है। पहला भाई वह ब्रह्म कर जो इसमें जाएंगे तो ब्रह्मा जी का वर्णन मिलेगा और एक है धर्म कल और तीसरा जो है कथा ये हमारे प्रेत कल्प है। अगर आप बंगली वाली किताब उठाएंगे तो 42 अध्याय का जरूर पुराण कथा है। कलयुग है, समय किसी के पास होता नहीं है, इसे लेकर के पास में अध्याय तक जाते हैं तो देखो नरकों की वर्णन होता है, उनके बाद जो है कर्म कैसे करना चाहिए, पिंडदान का वर्णन और जब शरीर कोई त्यागने लगे तो किस प्रकार का उनको कर्म करना चाहिए, इनके बारे में भगवान ने बताया। जब सारी कथा सुनाया तो मैं ये तो सुन लिया, लेकिन एक मन की मेरी इच्छा है कि आप थोड़ा सा सनातन धर्म के बारे में बताएं। गरुड़ जी कह रहे हैं कि देखो मनुष्य का ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि उस मन को जो है मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इस संसार में कोई आप बता सकते हो कि सुखी हो, कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिन रहत लाज थोड़े थोड़े सब दुखी कह गए तुलसीदास। इस संसार में देखो कोई तो सुखी हो ही नहीं सकता है और हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम सुख मानते हैं वही देखो पाप का बंधन है। कहा है सुख दुख प्रदय पुण्य पाप रूपण्य नियंत्रिता और उसके अनुसार जो है हमारी आयु शरीर आयु जो है भोग इन सबको भोगने के बाद यहां एक सूक्ष्म लिंग में जन्म मिलती है। तो ये देखो 84 लाख योनि है और 84 लाख योनि भटकने के बाद तब ये मानव शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, बड़ा दुर्लभ शरीर है। सबसे पहले जो है हम कहते हैं कि अस्थावर योनि में जन्म लेते हैं जो चल फिर नहीं सकते, उनके बाद जो है कीड़े मकोड़े में हमारा जन्म होता है, किडनी बिगाड़ी में, फिर जा करके जो है नवचर आकाश में उड़ने वाला, तब जा करके भगवान का अगर बहुत कृपा होता है बहुत ज्यादा कृपा होता है तब देखो ये मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर कहते 84 लाख योनियों में ये जो मानव शरीर है इस मानव शरीर को छोड़ करके अन्य किसी में भी तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस जगत में अनंत जन्मों के वर्ण करते करते जब कहीं पुण्य का उदय होता है तब जाकर के मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं और ये मानव पापी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो इंद्रिया है उसको क्या है सबसे बड़े सुख कारक मानते हैं। सुख काटी में गर्मी लगी चलो एसी में डनलप पे सोते हैं, ये तो बीमारियों का घर है, ये तो दुख का कारण है, लेकिन मनुष्य जो है अपनी आत्मा का कल्याण बिल्कुल नहीं जान पाता, इसीलिए भगवान कहते हैं बिना देहेन कश्यपि पुरुषार्थम न विद्यते। करते कहते हैं पुण्य का संचय करो धर्म को इकट्ठा करो, क्योंकि आत्मा का कल्याण करना मनुष्य के लिए देखो बहुत बड़ा आवश्यक है। कहते पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्र पुनर्ग्रता पुनर्ग्रहण, ये जो है देखो गांव पृथ्वी धन शुभ अशुभ कर्म मनुष्य को फिर मिल जाते हैं, लेकिन मानव का शरीर ये बार बार आपको प्राप्त नहीं होगा,
इसलिए कहे कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी शरीर की तब धन की, और धन जब रक्ष करोगे तो धर्म होगा। शरीर देखो एक ऐसी वस्तु है कि कितना बड़ा शरीर में बीमारी क्यों न लग जाए, रोग क्यों न लग जाए, लेकिन मनुष्य जो है छोड़ना ही नहीं चाहता। इसलिए भगवान कहने लगे तद गोप्तम स्याद मार्जित धर्म नाथा भी बचो। शरीर की रक्षा के द्वारा हमें इस धर्म किसी भंगों को स्वीकार हो जाते हैं। अगर आप अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करोगे, इस संसार से अगर आप नहीं दवाई करोगे तो दूसरा कौन करके देगा, क्योंकि जिंदगी का करने कोई भरोसा थोड़ी है। ये समय मनुष्य का कैसे बीत जाता है कोई नहीं जान पाता है। 100 वर्ष का आयु मिला उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 50 साल तो ऐसे ही सोने में गवा देते हैं। 20 साल तो चला बचपना में, 20 साल बुढ़ापा में मेरे पास बच गए जितने, तो 10 वर्ष। और वो 10 वर्ष में प्रभु का नाम और गुणगान तक बढ़ते नहीं गए, बल्कि ग्रीन काल में हम लोग उनको निपट देते हैं, क्योंकि हमने ऐसा माया मदरा मोह पान कर रखा है उनको जो है किसी प्रकार से डर ही नहीं होता। भगवान कहते हैं कि देखो धन संपत्ति जो है सपने की तरह है, जवानी कोनों की तरह कोमला जाने वाली है, आयु बिजली के समान जो है चंचल है, तो बताओ मनुष्य तो धीरज कैसे रहे। जब धीरज नहीं गए तो हमारा जो है ये 100 साल का जीना जो है निरर्थक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं भगवान कहे कि मोक्ष का जो है उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें स्त्री ये परिवार ये भक्ति बांधव प्रकार का मिलाव जो है जो कहते हैं अनित्य है, फिर वह किस प्रकार मोक्ष बताओ निर्भर रह सकता है। कहते हैं भगवान की देखो द्विगति विकिरण वायु न काश्चन खंडनम, कहता है हवा को हम रोक सकते हैं तो हवा रुक नहीं जाएगी, आकाश का खंडन करें तो खंडन भी हो जाएगा, दंथन भी हो जाएगा, लेकिन देखो आयु की स्थिरता कैसे रह जाता है। तभी इस शरीर की बात क्या बताओ, ये स्थिर कैसे रह सकते हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये बकरी की जो है ना मेमने तरह मेमने करते हुए आप ऐसे ही चले जाओ, काल आएगा पकड़ देगा और राम। क्योंकि भगवान कहते हैं इतिकतम काजन, यानी कि काल देखो एक ऐसा बलि है, आप उसे लाख कहकार हो कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ धर्मों का काम करना है, कुछ दान पुण्य करना है, लेकिन काल जो है किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए जो है धर्म का काम अगर कल करना है तो आज कर लो आज, क्यों मृत्यु जो है किसी का इंतजार नहीं करती। और उसमें जो है चूरू की तृष्णा जो है हमारे अंदर है, अभी जो है हमारे शरीर के अंदर उस पर हम पक रहे हैं, और पक जाने के बाद क्या होगा, मृत्यु आएगी और ये शरीर को उठा करके चली जाएगी। अभी देखो चार अवस्था ऐसी है मनुष्य के लिए जो सदा भगवान ही याद आता है। एक अवस्था कब है, जब कोई स्त्री गर्भावस्था में आती है, कोई संतान अगर गर्भ की अंदर है और वही देखो बालक जो है माँ की जठराग्नि ने, जिसको हम शास्त्र में कहते हैं वैतरणी नदी, वैतरणी नदी का वर्ण आता है तो नरक है। जब किसी की दान संस्कार देखते हैं तो वहां पर विचार बिल्कुल बदल जाता है, सबको यही तीसरा अवस्था जो है रोग अवस्था में, शरीर में जब एक बीमार हो जाता है, रोग लग जाता है, बीमार हो जाते हैं, तब हमें प्रभु याद बहुत ज्यादा आती है। और चौथा अवस्था है जहाँ सत्संग हो, कीर्तन हो, प्रभु का गुणगान हो, कथा हो, रही हो,
जगह